अनोखा है, सास बहु मंदिर, जानिए इससे जुड़ी रोचक तथ्य। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पीकर। भारत एक ऐसा देश है जहां पूजा पाठ का विशेष स्थान है। इसकी झलक आप यहां के धार्मिक स्थलों में भी देख सकते हैं। साथ ही यहां प्रकृति की पूजा समुद्र, नदी, पर्वत, अग्नि, जल, वृक्ष, पशु पक्षी आदि सभी रूपों में की जाती है। अपनी संस्कृति को बढ़ावा कैसे देना है, ये आप भारत से सीख सकते हैं। ऐसे में आज हम एक ऐसे दिलचस्प मंदिर के बारे में बात करेंगे जिसकी चर्चा दूर दूर तक तो है ही, तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल हम सास बहु मंदिर की बात कर रहे हैं, जी हाँ, जो राजस्थान के उदयपुर शहर में लगभग 23 किलोमीटर दूर नागदा गांव में स्थित है। इस धाम के मुख्य देवता भगवान विष्णु है। वहीं इस मंदिर के नाम से लोग ये सोचते हैं कि यह सास बहु से जुड़ा होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका निर्माण कछवाहा वंश के राजा महिपाल ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि महिपाल की रानी भगवान विष्णु की परम भक्त थी, जिस वजह से राजा ने अपनी प्रिय पत्नी के लिए यह मंदिर बनवाया था ताकि वह अपने इष्ट देव की पूजा कर सके। वहीं जब कुछ सालों बाद राजा के पुत्र का विवाह हुआ तो राजा ने अपनी बहू के लिए उसी मंदिर के पास भगवान शिव का मंदिर बनवाया, क्योंकि उनकी बहू भगवान शिव की पूजा करती थी। इसके बाद दोनों मंदिरों को सहस्त्रभुज के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है हजार भुजाओं वाले। जानकारी के लिए बता दें, जब लोगों को इसका नाम बोलने में कठिनाई हुई तो लोगों ने इसे सास बहु मंदिर कहना शुरू कर दिया और इसी के नाम से इस धाम की ख्याति भी होने लगी। अब इस धाम के बारे में यदि और विस्तार से बात की जाए तो सास बहु मंदिर कम से कम 10 या 5 छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है। इसके सामने की जगह में विशेष त्योहारों पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखने के लिए एक तोरण द्वार है। इसमें 3 दरवाजे 3 दिशाओं की ओर हैं, जबकि चौथा दरवाजा एक कमरे में स्थित है जो कि सभी के लिए बंद है। मंदिर के मुख्य द्वार पर माता सरस्वती, ब्रह्मा जी और श्री हरि की प्रतिमा स्थापित है। वहीं इसकी दीवारों पर अद्भुत नक्काशी और शानदार वास्तुकला की झलक भी देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। तब तक के लिए धन्यवाद।